अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا محبت اور عقیدت سے آپ لوگ سارے نہیں پڑھ رہے पीछे जो औरतें बैठी हैं वो भी पढ़ें, आप लोग पीछे वाले भाई सारे पढ़ें। जिस आस्थाने पे आप लोग आए हैं, मेरे दादा जान आपके पीर मुर्शिद आप लोगों को देख रहे हैं, मदीने में हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम गुंबद खजरा के मकी आपको सुन रहे हैं, इस अकीदे से पढ़ें सारे मिलके अस्सलातु वस्सलाम, सारे पढ़ें। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर उसी को महशर में चैन होगा, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर उसी को महशर में चैन होगा, नबी मोहब्बत करेंगे उससे के जिसके दिल में हुसैन होगा। अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना के बाद और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम के बाद आज की महफिल पाक में आने वाले तमाम हाजरीन नाजरीन सामईन, आज तमाम उलमाए कराम जो यहाँ पर तशरीफ लाए, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये महफिल पाक तालीमाते इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस, ये मेरे बड़े दादा जान हुजूर किबला शहनशाह टिब्बा शरीफ पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह हमदानी रहमतुल्लाह अलैह और आपके फरजंद मेरे दादा जान हुजूर पीर किबला सैयद मोहम्मद अमीर हिजबुल्लाह शाह हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, आप दोनों के उर्स मुबारक के सिलसिला से है, आप सब लोग जानते हैं। जिक्र है शहनशाह करबला का, जिक्र है शहदाए करबला का, महफिल सजाई गई मेरे बाबा हुसैन के नाम की, आपके जिक्र की महफिल सजाई गई, तो सबसे पहले तो आपने चुप नहीं बैठना, नारे का जवाब देना है, मेरी जो बात आपको समझ आए आपने उस पर सुभान अल्लाह की दाद देनी है, चुप नहीं बैठना, आप लोगों ने सारों ने बोलना है सुभान अल्लाह, मेरी जिस बात की आपको समझ आए आपने सुभान अल्लाह कहनी है, आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी खतीब को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है के सामने जो लोग बैठे हैं उसको उसकी किस हद तक समझ आ रही है, तो चुप आप लोगों ने नहीं बैठना, पीछे वाले लोग अभी भी खामोश हैं, सारे बोले सुभान अल्लाह। जिक्र है शहदाए करबला का, तो मैं क्यों ना जिक्र करूं इमाम हुसैन पाक का, और क्या बताऊं क्या सुनाऊं मैं करबला, मेरे नबी ना आते दीन बनता ना, हुसैन ना आते दीन बचता ना, नबी आए गया, हुसैन आए दीन बच गया, और करबला में क्या सुनाऊं क्या सुनाऊं कि कैसे मदीने से एक काफिला रात की तारीकी में तैयारी करके निकला, ये अजीम दास्तान है, दुखों से भरी दास्तान है। वो काफिला मक्का कैसे पहुंचा, मक्का से होते हुए करबला में वो काफिला कैसे जा पहुंचा, ये अलहदा उनवान है, वही काफिला उसमें हजरत मुस्लिम बिन अकील आपको किस तरह शहीद किया गया, आपके छोटे छोटे बच्चों को खेतों में ले जाकर किस तरह शहीद किया गया, ये अलहदा उनवान है।
नेक और पाक बीवियों के खेमों को किस तरह आग लगाई गई। वो काफिला फिर दमिश्क कैसे पहुंचा? दमिश्क में यजीद पलीद लाइन के दरबार में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने किस तरह खुतबे दिए, क्या खुतबे दिए, आपने क्या फरमाया? ये अलहदा उनवान और ये खुतबा, ये काफिला लुटा हुआ किस तरह वापस मदीना अरसा दराज के पास पहुंचा, ये अलहदा उनवान, ये तमाम मुश्किलात मेरे बाबा हुसैन ने बर्दाश्त की, आपको करना पड़ी, अपने नाना जान को छोड़ना पड़ा, मदीना को खैरबाद कहना पड़ा सिर्फ अपने नाना के दीन की खातिर। गमे हुसैन पे ताजदारे गुलड़ा पीर नसीरुद्दीन नसीर, आप क्या खूब फरमा गए, आपने फरमाया गमे हुसैन पहचान है आदमियत की, गमे हुसैन पहचान है आदमियत की, हुसैन पे ना रोया तो आदमी क्या है, और बकाए नस्ले बशर का ख्याल था वरना, वरना हुसैन तो अर्श हिला देता शहनशाही क्या है। और फिर आपने कलम उठाया, कलम उठाने का हक अदा कर दिया, आपने फरमाया बता रहा है नसीर को उनका ठुकराना, बता रहा है नसीर को उनका ठुकराना, जमीर करे मुलामत तो नौकरी क्या है। मेरे बाबा हुसैन, आपकी जिंदगी से, आपकी सीरत से हमें जो सबक मिलता है, जो तालीमात मिलती हैं, जिसके जिस उनवान पे आज ये महफिल पाक सजी है, तालीमात इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो आपकी जिंदगी से हमें जो सबक मिलता है, जो तालीमात मिलती हैं, वो क्या है? आपकी जिंदगी से हमें हक पर इस्तकामत का सबक मिलता है, आपकी जिंदगी से हमें साबित कदमी का सबक मिलता है, किस तरह आपने इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त की मगर अपना हाथ नहीं दिया बातिल के हाथ में, आपने सबर शुक्र किया, सबर शुक्र करते हुए अपने भी कुर्बानी दे दी, अपने अहलो रफाका को भी कुर्बान कर दिया, और सब कुछ कुर्बान करके भी रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मेरे मालिक तेरा हुसैन सब कुछ कुर्बान करके भी, सब कुछ कुर्बान करके भी तुझ पे राजी है, तू भी हुसैन पे राजी हो जाए। मेरे मुरीदों और ये आज जो भी सामईन आए हैं, इमाम अली मकाम के लिए सबसे मुश्किल था मदीना छोड़ना, अपने नाना जान को छोड़ना, जिनकी गोद में आप सारी जिंदगी खेले, जिनके कंधों पे आपने सारी जिंदगी सवारी फरमाई, उनको छोड़ना, उनसे जुदाई लेना आपके लिए सबसे मुश्किल था। रजब का महीना है, इमाम अली मकाम पर जब जालिमों ने घेरा तंग कर लिया, आपने इरादा फरमाया मैं अब मदीना नहीं रहना, मैं अब मदीना नहीं रह सकता, मेरा अब मदीना रहना मुश्किल है, मैं अपने नाना के दीन की खातिर मदीना छोड़ूंगा। अपनी बहने पाक हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को बुलाया और बुला के फरमाया मैं अब मदीना नहीं रह सकता, मैं अपने नाना के दीन की खातिर मदीना छोड़ूंगा। मेरे अली असगर को तैयार करो, मेरे अली अकबर को तैयार करो, मेरा कासिम मेरे साथ जाएगा, शहरबानो बीवी साथ जाएंगी, उम्मे रुबाब साथ जाएंगी, मेरी फिजा और शीरीन को तैयार करो, वो मेरे साथ जाएंगी। हजरत सैयदना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, आपने फरमाया हुसैन अली असगर तो साथ जाएंगे, अली अकबर तो साथ जाएंगे, ये कासिम तो साथ जाएंगे, पर ज़ैनब कहाँ जाएगी, ज़ैनब का क्या? आपने ये क्यों नहीं कहा कि ज़ैनब आप भी तैयारी करो, आप भी साथ जाओगी? इमाम अली मकाम रोए, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भर गई, आपने फरमाया ज़ैनब आपने क्या करना है, आप नाना के रोजे पे सलाम अर्ज करना, वालदा के मिजार पे हमारे लिए दुआ करना, इस्लाम की फतह के लिए दुआ करना। हजरत सैयदना ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने जो बात कही वो जरा जुमले सुने, आपने अर्ज की अपने भाई से, आपने अर्ज की, आपने फरमाया कि हुसैन आप भी जानते हैं, मेरे नाना भी जानते हैं कि मैं अपने नाना को भी छोड़ सकती हूँ, मैं अपनी वालदा की जुदाई भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं हुसैन की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती।
मोहम्मद हुसैन शाह साहब। हुसैन आप भी जानते हैं, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी मदीने छोड़ दूंगी, मैं हुसैन का साथ नहीं छोड़ सकती। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया फिर चलो तैयारी करो, मैं जरा नाना के रोजे पे सलाम अर्ज कर दूं और इजाजत कर लेता हूं। हजरत सैयदना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई के कुर्ते का, मेरी बात की आप लोगों को समझ आ रही है? सारों को समझ आ रही है, आप लोगों को, पीछे वालों को? औरतें बिल्कुल नहीं बोल रही, सारे बोले सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई के कुर्ते का दामन पकड़ के फरमाती हैं, हुसैन आज अकेले ना जाना, आज ज़ैनब को भी साथ लेते जाओ, रात का टाइम है, आगे आगे इमाम हुसैन है, पीछे पीछे आपकी बहन है, चलते गए हैं। जब इमाम हुसैन की नजरों ने, आपकी निगाहों ने रोजा अनवर पर बोसा लिया, इमाम अली मकाम कदमों में आकर बैठ गए और अर्ज करते हैं, सलाम ए जद्दे अमजद, ए मेरा मुंह चूमने वाले, मुझे दोशे नबूवत पे बिठा के घुमाने वाले, आज जरा उठ और जरा उठ के देख किसका नूरे ऐन आया, तेरे दर पे मेरे नाना तेरा हुसैन आया। मुझे कंधों पर बिठा के घुमाने वाले नाना, आज आपके दीन पे मुश्किल वक्त आ गया है, आज आपसे मैं वादा करके जाता हूँ, अपना सर नेजे पे बिठा के मैं आपका दीन बचाऊंगा, मुझे सजदों में भी कंधों पर बिठाने वाले नाना, आज आपके दीन पे मुश्किल वक्त आ गया है, मैं आपसे वादा करके, आपका हुसैन आपसे वादा करके जा रहा है, अपना सर सजदों में कटा के आपका दीन बचाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रहिए। आपने फरमाया पर नाना आज इजाजत दे दो, आज मदीना छोड़ना पड़ रहा है, तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ तेरे मदीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ छोड़ के आंखों के चैन को, उठ के गले लगाइए नाना अपने हुसैन को। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हुसैनियत, सुभान अल्लाह। इतना अर्ज करके जब आप देखते हैं ना, तो हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हुजूर की मिजारे अकबर से मट्टी उठाकर ना अपने दुपट्टे में बांध रही हैं और अर्ज करती हैं, नाना आप भी जानते हैं ये मदीना छोड़ना मुश्किल है, ये आपको छोड़ना बड़ा मुश्किल है, पर आप जानते हैं हुसैन की छोड़ना और भी मुश्किल है, मैं हुसैन को नहीं छोड़ सकती, हुसैन को छोड़ना ये और भी मुश्किल है। आपने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरे नाना मैं ये मट्टी लेकर जा रही हूँ, जब मदीना की याद आएगी, जब आपकी याद आएगी, ये मट्टी मैं चूमूंगी, इस मट्टी को मैं सूंघूंगी, अपने दिल को सुकून पहुंचाऊंगी। और क्या बोल पड़ा एक और शायर गमे हुसैन पे, क्या खूब बोल पड़ा, और इमाम हुसैन की शख्सियत को क्या खूब बयान करता है, कहता है हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन कासिम की कम नुमाई, हुसैन असगर की बेजुबानी, हुसैन दजला का खुश्क साहिल, हुसैन जहरा की बेकरानी। अब अपने दिल का हाल सुनाता है, कहता है हुसैन दिल है, हुसैन जा है, हुसैन कुरान की जुबा है, हुसैन सजदों की सर्द में है, हुसैन जहनों का आसमा है, उठा रहा है जो लाशी अकबर, हुसैन बूढ़ा नहीं जमा है। और सुनो वो कहता है हुसैन बूढ़ा नहीं जमा है, फिरात की नब्ज रुक गई है, हुसैन मसरूफ गुफ्तगु है, जहां जहां गुलाबों से भर गया है, हुसैन शायद लहू लहू है। और सहाबा के अंजुमन से पूछो, सहाबा के अंजुमन से पूछो, हुसैन पैगंबर का हूबहू है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हुसैनियत, शहनशाह करबला, हुसैन पैगंबर का हूबहू है। इमाम अली मकाम का मदीने को छोड़ जाना, इसमें भी हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए अजीम दास्तान, अजीम सबक है। आप मदीने को छोड़ गए क्यों?
इस्लाम के तहफ्फुज के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए। इस्लाम किसका है? आपके नाना जान का। पता लगा कि जब दीन बुलाए तो अपना घर बार कारोबार माल सब छोड़कर रसूलुल्लाह के दीन का नारा लगा के सारे जिहाद करो। और इमाम अली मकाम ने हमें यह सबक दिया है, आपने हमें यह सिखाया है कि जब दीन कोई मुजाहिद मांगे ना तो सारे मुमताज कादरी बन जाए। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। क्या नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबुवत, ताजदारे खत्मे नबुवत, ताजदारे खत्मे नबुवत, नारे करबला के उस तपते हुए सहरा में, उस तपती हुई रेत पे मेरे बाबा हुसैन, मेरे रसूलुल्लाह का 3 दिन से भूखा प्यासा वो खानदान, उस वक्त हुसैन ने 6 माह के अली असगर को भी कुर्बान कर दिया, 18 साल के कड़ियल जवान अली अकबर को भी कुर्बान कर दिया, और ना मोहम्मद की कुर्बानी भी हुसैन पेश कर चुके। हजरत कासिम, हजरत हबीब इब्ने मुजायर और हजरत ज़ुहैर बिन कर्नल बजली और मेरे मोहम्मद अरबी के दीगर लाडलों की भी कुर्बानी जब हुसैन पेश कर चुके, बला कशा सवार अब्बास आलमदार जब उनकी भी कुर्बानी हुसैन ने पेश कर दी, अब इमाम हुसैन, मेरे बाबा हुसैन अकेले करबला में मौजूद है, घोड़े पर सवार होते हैं और आप यजीदी फौज के सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे मुफ्ती यासीन साहब ने बताया कि आपने बार बार यजीदी फौज को ये कहा कि बताओ तुम्हारे सामने खड़ा कौन है, पहचानो मुझे। अब वो अरबी खुतबा आपका क्या था, मैं वो बताता हूँ, वो सुनाता हूँ, आपको पता लग जाए हुसैन कौन थे। यजीदी फौज के सामने आप गए, आपने जाकर एक खुतबा दिया, वो खुतबा सुने, आपने फरमाया फन सिबूनी फन जुरू मन अना सुमर जियो इलान फुसिकुम वाजिबुआ फन जुरू हल युहिल्लुलाकुम कतली वन ताओता हुरमती। आपने फरमाया ओ यजीदियो पहले पहचानो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, देखो तुम किसके खिलाफ खड़े हो गए हो, मेरा नसब चेक करो, देखो मेरा नसब क्या है, मैं किसकी लड़ी में से हूँ, मेरा नसब चेक करो और फिर मुझे इस बात का जवाब दो, क्या तुम पर मेरी इज्जतों की ये पामाली और मेरा ये कत्ल जायज है, जवाब दो मुझे इस बात का। फिर आपने फरमाया अलस्तु इब्नु बिन्ति नबीयकुम व इब्नु वसीहि व इब्नु अम्मीहि व अव्वलीनु मुमिनीना बिल्लाहि वल मुसद्दिकु लि रसूलि अम्मी वल मुसद्दिकु लि रसूलिहि बिमा जा अबि मिन इंदि रब्बिहि। सुभान सुभान अल्लाह, सलामत रही, क्या बात, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाल या रसूल, नारे हादरी या अली। आपने फरमाया बताओ क्या मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा नहीं हूँ, क्या मैं नवासे रसूल नहीं हूँ, क्या मैं वसीए रसूल जो आखिरत पर और अल्लाह पर सबसे पहले ईमान लाए, क्या मैं वसीए रसूल, कौन वो जो नबी पर सबसे पहले ईमान लाए, क्या मैं वो वसीए रसूल जिन्होंने नबी की सबसे पहले तस्दीक की, मैं उन अली का बेटा नहीं हूँ। अवलैस हमज़तु सय्यदु शुहदा अम्मु अबी, बताओ क्या वो अमीर हमजा मेरे बाबा के चचा नहीं है। अवलैसा जाफिरु शहीदु तैयारु ज़ुलजनाहैन अमी, मुझे बताओ वो जाफिर जिनके बाजू जंग में शहीद हो गए और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे जाफिर के बाजू जंग में कट गए थे ना जन्नत में, मैंने उन बाजुओं की जगह 2 परों से उसे परवाज करते देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताओ वो जाफिर, क्या वो जाफिर तैयार मेरे चचा नहीं है। फिर आपने फरमाया अवलम यबलुकुकुम कौलुन मुस्तफीजुन फीकुम अन्ना रसूलल्लाहि क़ाल ली वलयखी हाज़ानि सय्यदा शबाबि अहलिल जन्ना। आपने फरमाया या तो तुम तक यह हदीस न पहुंची हो, यह हदीस न पहुंची हो, कौन सी हदीस। अब वो हदीस सुने, आपने फरमाया क्या तुम तक यह हदीस नहीं पहुंची कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे 2 बेटे,
कौन बेटे? मेरे दो बेटे। कौन बेटे? हसन और हुसैन, ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। आपने फरमाया ये हदीस तुम तक नहीं पहुंची कि हम दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। फिर आपने फरमाया فَإِن صَدَّقْتُمُونِ بِمَا قُولُوا وَهُوَ الْحَقُّ وَاللَّهِ تَعَمَّدْتُ كِذْبًا مُذْعَلِنْتُ أَنَّ اللَّهَ يَنْقُتُ عَلَيْهِ أَعْلَهُ وَيَدُرُّ بِهِ مَنِ اخْتَلَقْ آپ لوگ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، سارے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ سلطانیہ، اکبر، سید محمد، زندہ باد۔ یہ کوئی تیری میری بات نہیں ہے، یہ شہدائے کربلا، شہنشائے کربلا کا خطبہ ہے، آخری آپ کے الفاظ، آپ کا آخری خطبہ ہے۔ سارے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اگر تم تصدیق کرو نا تو یہی سچ ہے، یہی حق ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا مجھے پتا لگا کہ جھوٹ اچھی چیز نہیں ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر بھی اگر تمہیں مجھ پر شک ہو، تم جابر انصاری سے پوچھ لو، تم ابو سعید خدری سے پوچھ لو، تم زید بن ارحم سے پوچھ لو، وہ تمہیں اس بات کی تصدیق کریں گے، وہ تمہیں یہ بتائیں گے کہ اللہ کے رسول سے انہوں نے خود سنا کہ اللہ کے رسول نے اپنے دو بیٹے حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ افتشتون اصن ما انی ابن و بنتی نبیکم فَوَلَّئِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ نعرِ تکبیر، نعرِ رسالت، نعرِ خلافت، نعرِ حیدری، نعرِ سلطانیہ۔ آج کی عظیم نشست میں آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بتول پیر سید شہریار سلطان دامت برکات ملک القدسیہ صاحب زادہ والا شان آپ جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، زینت محفل ہوئے، رونق محفل ہوئے، موسٹ ویلکم، ست بسم اللہ، جی آئینو، آپ تشریف لائے۔ نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، نعرے سلطانیہ، آستانہ علیہ ٹپہ شریف، قبلہ سبزادہ پیر سید حماد حسنین حمدانی صاحب زیدہ مائدو، آپ کے لخت جگل، آپ تشریف فرما ہوئے، موسٹ ویلکم، ست بسم اللہ، جی آئینو۔ افتشتونی اسرن ما انی ابن بنت نبیکم فولی ما بین المشرقی والمغرب ابن بنت نبیکم نبیجن غیر من قبو ولہم غیرکم انا ابن بنت نبیکم خاصا۔ امام حسین نے فرمایا اگر تم تصدیق کرو نا، تم دیکھو، تم مشرق سے لے کر مغرب تک چلے جاؤ اور تم تصدیق کرو، تمہیں نبی کی بیٹی کا بیٹا مجھ حسین کے علاوہ کوئی نہیں دکھے گا۔ دیکھو، تمہیں نبی کی بیٹی کا بیٹا آج مشرق سے لے کے مغرب تک دیکھ لو، 1,24,000 انبیاء کرام میں سے تمہیں کسی نبی کی کسی بیٹی میں سے کوئی اور بیٹا سوائے حسین کے نہیں ملے گا، اور وہی حسین تمہارے سامنے کھڑا ہے، تمہارے سامنے، اور تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرا نسب تو دیکھو، تم دیکھو تو صحیح تم کس کے سامنے کھڑے ہو، میں وہی حسین ہوں جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نبی کا نواسا اس دنیا میں کائنات میں ہی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس وقت تم میں سے وہ لوگ ڈھونڈ رہا ہوں جنہوں نے مجھے دوش نبوت پہ نبی کے کندھوں پر سوار دیکھا ہے، او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، کیا تو نے مجھے اپنے نبی کے کندھوں پر سوار نہیں دیکھا؟ کیا تو نے میرا بچپن، میرا کھیلنا تک، کیا تو نے میرے اپنے نبی کی گود میں یہ سب مجھے نہیں دیکھا؟ اور اس پر اقبال کیا خوب فرما گئے، اور اقبال کہنے لگے اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر سبت پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے، ہمت ہو، اتنی ہمت ہو تو محشر میں پیغمبر سے یہ کہنا ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ یہاں جو علماء حضرات بیٹھے ہیں،
वो हुजूर इमाम आली मकाम के खुतबे देख पढ़ लें। और ये जो लोग कहते हैं ना कुछ ला इल्म ना इल्म, जो इनको इल्म नहीं होता, वो कहते हैं इमाम हुसैन करबला क्यों गए, मैं उन्हें ये कहता हूँ आप कमजोर ईमान वाले नहीं थे, खेले कहाँ नबी की गोद में, सवार कहाँ हुए नबी के कंधों पर, तो आप कमजोर ईमान वाले नहीं थे, आपकी तरबियत की खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो आप फरमाते हैं मैं करबला कोई सैर के लिए नहीं जा रहा, मैं करबला जा रहा हूँ क्यों कि तुम खुद बताओ जब नबी का बेटा नबी का नवासा इस कायनात में मौजूद हो और शरीयत का जोड़ कुरान से ईमान से खिलाफत का जोड़ सुन्नत से टूट जाए तो मुझे बताओ क्या उस नबी का नवासा अपनी अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए ना जाए। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, नारे रिसालत नारे हुसैनियत, क्या वो नवासाए रसूल अपने नबी की उम्मत के लिए क्या वो ना जाए उसकी इस्लाह के लिए। और ये शहनशाही की तुम बात करते हो, ये शहनशाही क्या है, ताजदारे गुलरा बोल पड़े, आपने फरमाया बकाए नस्ले बशर का ख्याल था वरना हुसैन अर्श हिला देता, शहनशाही क्या है। और मैं आपको हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम को बजाते खुद अपने इन दोनों बेटों से नवासों से इतनी मोहब्बत थी कि मैं मिसाल देता हूँ, आप दोनों अपने नबी आप दोनों हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंखें मुबारक थे। सुभानअल्लाह, आप लोगों में से कोई कह सकता है क्या आपको अपनी ये आंख प्यारी है ये आंख प्यारी है, हाय 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 सुभानअल्लाह, कौन कह सकता है, दोनों आंखों से बराबर प्यार होता है बेशक। आपकी जिंदगी से आपकी सीरत से जो हमें सबक मिलता है वो यही है कि सब्र करो, शुक्र करो, इस्तकामत रखो, हक पर इस्तकामत, साबित कदम रहो, अदब का सबक मिलता है, मोहब्बत का सबक मिलता है, दीन से मोहब्बत का सबक मिलता है। तो फिर इस सब के तोहफे में अल्लाह तबारक व ताला ने आपको जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया और आने वाली तमाम तमाम नस्ल मुसलमानी में मोहब्बत इमाम हसन व मोहब्बत इमाम हुसैन डाली। और असल हसनी हुसैनी की पहचान शायर बताता है, शायर कहता है कि अगर तू असली हसनी है, अगर तू असली हुसैनी है तो तू न कह कि मैं हुसैनी, तेरा वजूद देख के लोग कहें कि ये हुसैनी। सुभानअल्लाह सुभान, तेरा वजूद बताए कि तू हुसैनी, तेरा वजूद बताए कि तू हुसैनी, तेरा चलना फिरना बताए कि तू हुसैनी, तेरा उठना बैठना बताए कि तू हुसैनी, तेरा खाना पीना बताए कि तू हुसैनी, तेरा तेरी मईशत बताए कि तू हुसैनी, तेरी माशरत बताए कि तू हुसैनी, तेरा चलना फिरना भी बताए कि तू हुसैनी, तेरा कॉल बताए कि तू हुसैनी, तेरा लेन देन बताए कि तू हुसैनी, तेरी नमाज बताए कि तू हुसैनी, तेरा सजदा बताए कि तू। सुभानअल्लाह नारे रिसालत। हजरत अली की दूसरी बीवी से एक बेटे थे हजरत इमाम हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक शख्स आपके पास आया, आके अर्ज करता है हजरत हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हजरत अली मौला अली पाक की मुश्किल कुशा हैदर कर्रार की औलाद हैं, मगर हजरत अली आपको जंग पर भेजते हैं, इमाम हसन हुसैन भी तो नबी की हजरत मौला अली पाक की औलाद हैं, आपको क्यों नहीं भेजते। कुछ लोग होते हैं इस तरह के सवाल कर लेते हैं। हजरत हनफिया ने फरमाया मैं अपने बाबा जान का हाथ हूँ, मेरी बात पे तवज्जो रखनी है, आपको समझ आ रही है ना मेरी बात की। बेशक। सारे चुप बैठे हैं, सारे एक बार बोले सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, पीछे वाले भी बोले सुभानअल्लाह। आपने फरमाया मैं अपने बाबा जान का हाथ हूँ और हसन हुसैन मेरे बाबा जान की आंखें हैं। सुभानअल्लाह। और फिर एक और बात आपने की, बड़ा जबरदस्त नुक्ता आपने फरमाया, आपने फरमाया जब आंखों के सामने कोई चीज आने लगे, जब आंखों में कुछ जाने लगे तो बंदा अपना हाथ आगे करता है। सुभानअल्लाह क्या बात है सुभानअल्लाह, उसकी आंखों में कुछ जाने लगे तो बंदा सबसे पहले हाथ आगे करता है, पता लगा हाथों से आंखें प्यारी होती हैं, आंखों से हाथ प्यारे नहीं होते। सुभानअल्लाह। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सीरत से जो सबक मिलता है उसकी लंबी फहरिस्त है, आपकी जिंदगी से तो अदब का सबक मिलता है। 25 हज मुबारक, कितने 25 हज मुबारक इमाम हसन पाक इमाम हुसैन पाक ने मदीना से लेके मक्का तक पैदल तय किए थे।
क्यों किए थे पैदल तय? किसी ने पूछ लिया, हुजूर पैदल क्यों? आपके लिए सारी सवारियां मौजूद हैं, ऊंट मौजूद हैं, घोड़े मौजूद हैं, पर हुजूर पैदल क्यों? आपने फरमाया बड़ी बारगाह में जा रहे हैं, सवार होते भी शर्म आती है। बारगाह भी तो देखो ना, जिस बारगाह में जा रहे हैं उस बारगाह में सवार होके भी शर्म आती है। आपकी जिंदगी से तो सखावत का भी सबक मिलता है। एक बात आपको बताता हूँ, हज मुबारक में ही हजरत इमाम हसन पाक, हजरत इमाम हुसैन पाक दोनों हज की गर्ज से मदीना पाक से मक्का पाक के लिए रवाना हुए। रास्ते में भूख लग गई, मदीना से बाहर ही निकले थे, आपको रास्ते में भूख लग गई, दूर देखा एक बूढ़ी औरत का घर था, एक घर आपको दिखा, बैठ जाए सारे बैठ जाए, एक घर आपको दिखा, आप दोनों उस घर के पास गए, दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। कुछ देर बाद हजरत इमाम हसन पाक ने फरमाया, हम मदीने से मक्के के लिए निकल रहे हैं, हज की घर से जा रहे हैं, रास्ते में थे, भूख लग गई, कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़ी औरत, ये मदीने के और ये अरब के लोग बहुत जो बहुत ही ये लोग मेहमान नवाज होते हैं, मेजबान होते हैं, आज भी आप लोग जाएं तो ये रिवायत वैसे की वैसी है, वो लोग बहुत मेजबान और मेहमान नवाज होते हैं। बूढ़ी औरत रो के कहती है, खाने को तो कुछ नहीं है। इमाम हसन पाक ने फरमाया, एक पानी का प्याला ही पिला दो। वो औरत कहने लगी, दो मिनट सब्र करो तो एक दूध का प्याला ना ले आऊं। हजरत इमाम हसन पाक ने फरमाया, चलो ले आओ। कुछ देर बाद वही औरत, वो बूढ़ी औरत वापिस आई, एक प्याला उसने पेश किया, आधा इमाम हसन पाक ने नोश फरमाया, आधा इमाम हुसैन पाक ने। अरसा दराज के बाद वो औरत भूल गई, उसे नहीं पता कौन सा मैंने प्याला दूध का पेश किया था, वो औरत भूल गई। अरसा दराज के बाद मदीना आ गई, लजपाल हजरत इमाम हसन ने पहचान लिया, उसे अपने घर ले आए, कई दिन उसकी खिदमत की, कई दिन। फिर वो औरत कहने लगी, अब जाने नहीं देते। इमाम हसन पाक ने 1000 बकरी और 3000 दिनार देके उसे रुख्सत किया और फरमाया, आधा प्याला हुसैन ने भी पिया था, जाते जाते उधर भी जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, आधा प्याला हुसैन ने भी पिया था, जरा वहां से भी होती जाना। बाहर निकले, खुद इमाम हुसैन आ गए, उसे अपने घर ले गए, कई दिन उसकी खिदमत की। औरत फिर यही बोली, अब जाने नहीं देते। इमाम हुसैन ने 1000 बकरी 3000 दिनार दिए। अब इमाम हुसैन, जब औरत जाने लगी ना, तो इमाम हुसैन फरमाते हैं, अगर तू पहले मेरे पास आती तो मैं और भी नवाजता, पर अब बड़े भाई ने जितना दे दिया है उसके बराबर तो दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, उसके बराबर दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। ये ले जा 1000 बकरी 3000 दिनार 6000 दिनार और 2000 बकरी, वो लेके मदीना से निकली। ये तरबियत है हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, ये पुख्ता ईमान है इमाम हसन इमाम हुसैन पाक का। क्यों? तरबियत हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी ये दुआ है कि वो हम सबको हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, हमारे दिलों में हुजूर इमाम हसन पाक और हुजूर इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत को भी बढ़ाए, आज की हमारी हाजिरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, हम सब पे अपना रहम फरमाए। व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बड़े आसन अंदाज के साथ किबला हुजूर पी सैयद शहजाद सुल्तान दामद बरकात मुल्क कुलसिया शहनशाह करबला की बारगाह में खिराज तहसीन पेश कर रहे थे। सलामत रहिए, ताकियामत रहिए। बहबिला तखीर बड़ी मोहब्बत से चाहत से मुलतमिस आल नबी औलाद अली हुजूर की बला पीर सैयद हमाद हसनैन हमदानी सुल्तानी दामत बरकात मुल्क कुलसिया बड़ी मोहब्बत से चाहत से मुलतमिस हूँ। अपनी खूबसूरत मारूजात आपकी खूबसूरत समातों के हवाले करते हैं। मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हुसैनियत। आल से अगर वफा करोगे तो दुनिया तुमसे वफा करेगी। मनाओगे शब्बीर का गम तो बिनते जहरा दुआ करेगी। छोड़कर सारे झूठे रहबर आओ अंबर अली के दर पर। इमाम अगर अबू तुराब होगा तो
तो कब्र की मट्टी हया करेगी। नारे हैदरी हुजूर किबला पीर सैयद हम्माद हसनैन सुल्तानी हमदानी दामते बरकात कुदसिया।